डॉक्टर चलिए बढ़ जाओ आइए आइए। अच्छा जी आपको भी गलत सामने बस लोन तो वेट कर रहे हैं। देखिए एक्शन रोइए बोला बोला बोला। ये देखिए करुणा ने भी संभाला और ये आंखें खोलो एक्शन देखिए सब बोला अंजय सुजाता हो गया सुजाता माता जी जाइए बोला बोला। देखिए सुजाता जाइए देखिए सिमन ने बोला 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 हाथ रखो खड़े नींद की गोलियां मैंने इसलिए खा ली कि व्यूवर्स जानते होंगे कि शौर्या मर गया है और उसको मैंने ही मारा है तो मुझे यही गिल्ट है अपने अंदर कि मैंने अपने पति को मार दिया है और अभी मैं इसी सदमे में नहीं जी पा रही तो इसलिए नींद की गोलियां खा ली मरने की कोशिश की। रीज़न वही जो दिखाया गया है कि रोली भाभी शौर्य ने धोखा दिया रोली भाभी को परेशान किया तो रीज़न साफ़ है सबके सामने है रीज़न कि मैंने क्यों गोली मारी और मैंने खुलेआम गोली मारी है। अब आगे क्या करेंगे जानेंगे क्या आगे तो खैर अभी तो ये है उन्होंने कदम उठाया आगे क्या कदम उठाने वाली है। जानवी अभी अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाह रही है और पुलिस आ भी जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो घर वाले तो काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि तरफ ऐसा ऐसा होता है तो जानवी ये सब करेंगे तो यू नो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा एक तरह। घर वालों के लिए जानवी को संभालना इस वक्त ज़्यादा मेन है उनके लिए यही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शौर्य का खून हुआ ये सब कुछ तो उनका उनको भी पता है कि मैंने उनके लिए किया ये सब क्योंकि अगर मैं नहीं मारती तो वो मेरे परिवार को मार देता तो इसलिए मैंने उसको मारा। लेकिन अभी इस वक्त मेरा परिवार मुझे संभालने के लिए लगा हुआ है और बहुत परेशान है उनका। मस्ती भी कर रहे थे थोड़ा अब इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल सीन्स के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है इतनी चिटिंग तो चलती है यार। खास न्यू ईयर की तैयारियां तो नहीं कुछ ऐसी लेकिन हाँ मेरे घर में शादी है तो उसकी तैयारी जनवरी के लिए चल रही है। शादी की 3-4 तारीख को ही दिल्ली के लिए मैं निकल जाऊंगी रवाना हो जाऊंगी तो वही वहीं की तैयारियाँ हैं। न्यू ईयर भी उसी में मना लिया जाएगा 3 दिन के लिए डाइटिंग वाइटिंग सब भूल जाऊँगी और मिठाई नहीं लेकिन हाँ खाना जो मेरा फेवरेट है नॉर्थ का वेज या नॉन वेज बस सेट का टेंशन नहीं बस फ्री एकदम 3 दिन के लिए मैं आजाद हो जाऊंगी जेल से निकल के भागूंगी मैं तो फिर ऑडियंस को न्यू ईयर की विश करूंगी। मैं अपने सभी व्यूवर्स को अपने सभी फैंस को विश करना चाहती हूँ आई विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर हैपनिंग न्यू ईयर एंड खूब धूम मचाओ
31 की नाइट को, 31st की नाइट को, 1 तारीख को आराम से सोकर उठो एंड पूरे साल अच्छे से अपने लक के लिए मेहनत करो. अच्छा हुआ कि आपने मुझे समय रहते बुला लिया, थोड़ी और देर हो जाती ना तो दवा पूरे शरीर में फैल सकती है. इन्हें बचाने में मुश्किल हो जाती. एनीवेज इंजेक्शन दे दिया गया, 3 से 4 घंटे में हो सकता है. डॉक्टर घबराने वाली तो आपकी बात नहीं है. नहीं नहीं बस इससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसे आराम करने दो. चलो बेटा हम सब यहाँ से चलते हैं. ठीक है आइए अचला जी परी. राइट बस ठीक से करना. तुम्हें ऐसे बुजदिल वाला काम करने की क्या जरूरत थी? देखिए और ये सुजाता ने बोला मुझे लगता है हमेशा खेला छोड़ देना चाहिए. हाँ ठीक बात है अब इस बारे में कोई बात नहीं है. राजेंद्र जी को इंक्लूड कर दीजिए लाइन में. रोल रोलिंग एक्शन. आपकी खोलो बेटा, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अंगूठा थोड़ा पीछे रोलिंग है. ब्लॉक टाइट कर आराम नीचे लेकर ले. एक्शन. चुप तो रही. शिफ्ट शिफ्ट रोल वाइड 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 राम. एक्शन जी. चलिए आगे को चलिए. ये तुमने क्या किया जाते आगे करो बेटा. चलिए कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए. उमा मैं पानी लेकर आती हूँ. माता जी का प्रेम फोन करो. देखिए फिर भी होश नहीं है. चार्ज टेंशन प्रेम जान भी फिर जा और ये एमजे. अरे सुजाता समझने वाली बात है, डॉक्टर ने कहा ना कि हमारी जान भी खतरे से बाहर है. आप इसलिए रोना नहीं, बस हाथ जोड़कर माता रानी का शुक्रिया अदा कर.
कि हमारी बच्ची सही सलामत है। और ये देखिए इधर मत देखिए, अभी आप उधर ही लोग रखिएगा, बोलेंगे खोल दीजिए उसको सजाते जी इधर। हाँ आक्शन, धीरे धीरे आँखें खोलना। और देखने दीजिए पहले उसको, देख खोलो आँखें, वो देख लो क्या आँखें खोलने से पहले एक बार जान भी बोलती हूँ, वो बोली ना। हाँ बोल दीजिए, बोल के फिर लोग कभी क्या सीमा नहीं। रोल 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 आँख खुल जाएंगे। नहीं सुजाता जी क्लाइंट बोलेंगे फिर फेस अवे करें, बोलेंगे आँख खोलने के लिए बोलूँगा। एक्शन जानवी सिमरन जानवी बेटा, हम सब तेरे लिए इतने परेशान थे, लेकिन ऐसा भूतली भरा कदम उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखिए जानवी कर रहे, मुझे लगता है हमें जानवी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना चाहिए, किसी आराम की जरूरत। माता जी सुजाता बहू बिल्कुल ठीक कर रही है, जानवी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, इसे आराम की जरूरत है। माता जी चलो हम सब यहाँ से चलते हैं। जाने लगे माता जी, मैं जानवी के पास ही रुक जाऊँ।